भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, चैनल 24 न्यूज प्लस के पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है और आप सभी अभिनंदनीय हैं। चैनल 24 न्यूज प्लस का जो पुनरुत्थान कार्यक्रम है, यह हमें अवनति से उन्नति की ओर ले जाता है, ये हमें पतन से उत्थान की ओर ले जाता है, ये पुनर्जागरण की ओर ले जाता है। और आज के इस युग के अंदर अपना पुनर्जागरण कौन नहीं करना चाहेगा। आज इस कॉम्पिटिटिव युग में, आज इस ग्लोबलाइजेशन के युग में, लिबरलाइजेशन के युग में, प्राइवेटाइजेशन के युग में, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इंसान का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व बनूं, पर्सनलिटी डेवलपमेंट करना चाहता हूं। तो अगर आप पर्सनलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो पुनरुत्थान कार्यक्रम को अवश्य देखें। आज हम एक ऐसा ही विषय लेकर के आए हैं कि उस विषय का शीर्षक है भारतीय दर्शनों में मोक्ष की अवधारणा। मोक्ष हमारा साध्य है, आखिर हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है। जब हमने मनुष्य जीवन के अंदर जन्म लिया है तो हमें हमारा गोल डिसाइड करना होगा, हमें अपना जो है मुख्य लक्ष्य है, हमारा एम है, हमारा टारगेट है, वो डिसाइड करना होगा। टारगेट की जब बात आई तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया, वो स्वयंवर के अंदर ये शर्त रखी गई कि जो मछली जो है ऊपर जो है टंगी हुई है और नीचे उसका बिंब जो है पानी के अंदर आ रहा है, तालाब बनाया हुआ टाइप बनाया हुआ है उसके अंदर आ रहा था, जो कोई योद्धा वह वो इस पानी के प्रतिबिंब को देख करके और उस मछली की जो है वो आंख का छेदन करेगा, आंख का भेदन करेगा, उसके साथ द्रौपदी का विवाह होगा। बंधुओं, अब देखिए बहुत से योद्धा आए, सबने कोशिश की लेकिन वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन अर्जुन ने जो है वो सब बाण का, अर्जुन का जो बाण है वो बहुत ही प्रसिद्ध बाण है और अर्जुन बाण के विषय के अंदर जो है वो बहुत ही योद्धा माना जाता है। तो उसने तीरंदाजी का वो महान योद्धा गिना जाता है। तो उसने जो है वो उस पानी के अंदर उसने मछली की आंख को देखा और ऊपर तीर का निशान लगाया, उसके अनुसार जो उसने डायरेक्शन बना करके और एकाग्रता के साथ में दद चित्त होकर के लक्ष्य बनाकर उसका मछली की आंख का भेदन किया और द्रौपदी का विवाह जो है वो अर्जुन के साथ हुआ। उसके बाद में एक घटना घटित होती है कि अर्जुन 5 पांडव, युधिष्ठर, अर्जुन और अपने नकुल, सहदेव, भीष्म, ये 5ों भाई, इनके बीच में इतना प्रेम था कि आज हम भाईचारा की बात करें, भाइयों के बीच में प्रेम की बात करें तो पांडवों का प्रेम अनूठनीय है, बहुत अनूठा है, अनुकरणीय है। अगर पांडवों के जैसा प्रेम पूरे समाज के, परिवार के हर सदस्य जो आपस के अंदर वैसा प्रेम बांटें तो सारा दुनिया के अंदर भाईचारा का वातावरण। तो मैं बात कर रहा था उस साध्य की कि उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। तो भारतीय दर्शन जो है वो समस्त दर्शन, जितने भी दर्शन हैं, मुख्य मुख्य दर्शनों की मैं बात करूं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और हमारे साथ में यहाँ वेदांत की बहुत सी शाखाएँ, द्वैत, अद्वैत और उसके बाद के अंदर हमारी भारत की जो मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और उपनिषद और उसके बाद में हमारे आरण्यक और हमारी स्मृतियाँ, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, किन कितना सैकड़ों हमारे जो भारतीय संस्कृति के जो है दर्शन हैं। और भाई और बहनों, दर्शकगण, मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ, दर्शन का शिक्षक हूँ, प्रोफेसर, कुलपति होने के नाते आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम दर्शन विभाग के अंदर भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में 55 तरह के धर्म दर्शन आज भी पढ़ा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले वेदों का समय, सबसे पुराने जो हमारे पास में लिखित में धार्मिक ग्रंथ है वो वेद है। इसलिए वेदों के बारे में कहा जाता है कि वेद ईश्वर कृत है, वेदों को किसी ने लिखा नहीं जाया, वो ईश्वर की वाणी है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने गुम्फित करके वेद किए।
और उसके बाद वेदांत आया। वेदांत का मतलब है वेद का अंत, उनको उपनिषद कहा जाता है, कठोपनिषद वगैरह 108 तरह के उपनिषद है। यानी उपनिषद हमारे जो वेद हैं उसकी टीका है, उसकी टिप्पणियां हैं, उसके भाष्य है, उसकी कमेंट्रीज है। उन सब के अंदर क्या बताया गया है कि ये भारतीय संस्कृति वह जो है वो चतुर्थ पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ चतुष्टय बोला जाता है, उसमें विश्वास करती है। वो क्या है? काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ स्वभावतः हर प्राणी के अंदर होता है। हर प्राणी के अंदर जो जीवित प्राणी है उसमें 10 तरह की संज्ञाएं बताई गई है हमारे शास्त्रों के अंदर। वो कौन कौन सी है कि आहार, भय, शोक, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग, संज्ञा, ये 10 तरह की संज्ञा होती है, हर प्राणी के अंदर होती है। और छोटा से बड़ा चाहे एकेंद्रीय का प्राणी हो उसमें 10 संज्ञाएं होती है, और 10 संज्ञाओं बिना वह जीवित प्राणी नहीं गिना जाता, वो आत्मा नहीं गिनी जाती। तो ये काम और जो है उससे जुड़ा हुआ है, उन संज्ञाओं से जुड़ा हुआ है। और हम अर्थ की बात करें तो अर्थ तो मनुष्य जीवन के अंदर लागू होता है, क्योंकि दूसरे प्राणी अर्थ का कोई अर्जन नहीं करते, अर्थ से उनको लेना देना नहीं, उनकी आवश्यकताएं भरण पोषण तक सीमित है, भोजन करने तक सीमित है और भोग विलास करने तक सीमित है। उनके पास में विशिष्ट ज्ञान की शक्ति नहीं है। मनुष्य के पास में ज्ञान की शक्ति है। भाई और बहनों, इस मनुष्य को इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा अधिकार इस सृष्टि में क्यों दिया गया? इसीलिए दिया गया है कि मनुष्य एक संपूर्ण प्राणी है। मनुष्य के पास में 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियों से शरीर किसे हम चलें, शरीर के बाद 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बाद मन है, मन के बाद में बुद्धि है, बुद्धि के बाद चित्त है, चित्त के बाद में हमारा परमपिता परमेश्वर आत्मा है जो कि सारे शरीर को चलाता है। तो हम चतुर्थ पुष्ट जो चतुर्थ पुरुषार्थ की बात कर रहे थे, अर्थ की बात कर रहे थे। अर्थ जो है मनुष्य के लिए जरूरी है। अर्थ का मतलब होता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो मूलभूत आदमी की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए जो साधन होता है, जो माध्यम होता है, वो अर्थ कहलाया जाता है। पुराने जमाने में अर्थ जो विनिमय से हुआ जाता, बार्टर सिस्टम था। जब हमारी मुद्रा नहीं थी, जब हमारा ये सिक्का नहीं था, तो बार्टर सिस्टम था कि हमने गेहूं 1 किलो से जो है आधा किलो सब्जी खरीद ली, 5 किलो गेहूं से हमने कपड़ा खरीद लिया। इस तरीके से वस्तु विनिमय हुआ करता था, ये भी उस अर्थ में आता है। तो ये अर्थ जो है हमारे लिए जरूरी है, लेकिन अर्थ से अनर्थ नहीं होना चाहिए। अब देखिए बहुत बड़ी बात आती है हमारी संस्कृति में कि अर्थ जो है वह अनर्थ का कारण बनता है, जब सीमा तोड़ देता है। जब किसी व्यक्ति के पास में बहुत बड़ा धन हो जाता है, वह व्यक्ति इतना महत्वाकांक्षी, इतना अहंकारी हो जाता है कि समाज के किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं गिनता और वह उसका अनर्थ करना चालू कर देता है, लोगों को दुख देता है, लोगों की हिंसा करता है, लोगों को मारता है, व्यभिचारी बनता है, समाज में बुराइयां फैलाता है, वो दादागिरी करता है। ये अर्थ का अनर्थ है। भाई और बहनों, आज हमने गहन विषय मोक्ष की अवधारणा पर चिंतन किया। अब थोड़े समय पर इसको मस्तिष्क को शांति देने के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। अपने मस्तिष्क को
फ्रेश करके, एकदम ठंडा करके, हमने पुनः जो इस चिंतन के ऊपर हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं मोक्ष, इस मोक्ष की अवधारणा विषय पर ये हमारा पुनः चिंतन चालू हो रहा है। इसलिए भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, हमेशा भारतीय संस्कृति की इस सीख को याद रखें कि अर्थ का सदुपयोग जो है उस अर्थ की सार्थकता है, और अर्थ का जो दुरुपयोग है वो अनर्थ है, और अनर्थ जो है पतन का कारण है। जो जो लोग अर्थ का दुरुपयोग किया, अनर्थ के अंदर चले गए, अनर्थ की दिशा में चले गए, उनका शीघ्र पतन हुआ है। और अहंकार बंधुओं, अहंकार जो है ना, ये सबसे बड़ा पतन का कारण है। तो और लोभ है सबसे बड़ा जो पतन का कारण है। इसलिए इन सब चीज़ों से, बुराइयों से दूर रहना चाहिए। तो चतुर्थ पुरुषार्थ की मैं बात कर रहा था कि काम और अर्थ ये सामान्य प्राणी के साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन अब हम जो है मोक्ष की अवधारणा की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इसी दिशा से, इसी पगडंडी से, इस राजपथ से हम आगे बढ़ेंगे कि तीसरा आता है हमारा धर्म। बंधुओं, भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है, भारतीय दर्शन धर्म प्रधान है। धर्म एक अमृत है, धर्म एक संजीवनी है, धर्म एक टॉनिक है। इसीलिए कहा गया है कि 100 बीमार एक अनार की कहावत बहुत हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे लोगों के बीच में चलती है। 100 बीमार लोगों को जो है एक अनार की औषधि ऐसी होती है कि सबको अनार का जूस पिलाया जाए तो वो सारे के सारे लोग जो है स्वस्थ हो जाते हैं। तो समाज का कल्याण करना है तो धर्म रूपी टॉनिक दो, क्योंकि धर्म कभी अनर्थ नहीं सिखाता, धर्म कभी हिंसा नहीं सिखाता, धर्म कभी अनैतिकता नहीं सिखाता, धर्म कभी अवगुण नहीं सिखाता। बंधुओं, धम्मो मंगल मुखी टंग अहिंसा संयमो तवो, सबसे उत्कृष्ट मंगल जो इस सृष्टि में है, इस दुनिया में है, वो सब बड़ा धर्म है। बंधुओं, धर्म को आज काफी जो है वह बदनाम कर दिया गया है। मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ जो संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण। एक केला होता है, केला के ऊपर एक छिलका होता है, केला के अंदर गुदा होता है, वह फ्रूट कहलाता है। उसको हम खाते हैं, उससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है और हमें कई तरह के लाभ होते हैं, लेकिन हम छिलके को नहीं खाते हैं। तो जितने आज जो संप्रदाय हैं वो छिलके मात्र हैं, उन सभी छिलकों के अंदर रहने वाला गुदा है वो धर्म है। धर्म को हम स्पिरिचुअलिटी कहें, अध्यात्म कहें। इसीलिए आज इस धर्म को बदनाम उस संप्रदाय के कारण किया गया। छिलके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन गुदा सभी के अंदर एक सा होता है। तो हम संप्रदाय तीत होकर के उस धर्म की बात कर रहे हैं जो अध्यात्म से जुड़ा होता है। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर जाने वाला। आत्म ऐसा, अध्यात्म ऐसा तत्व है जो हमें भीतर ले जाता है, हमारा आत्मनिरीक्षण करवाता है, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन कराता है, हमारा इंट्रोस्पेक्शन कराता है। और जब हम सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हैं तो वो हमारा अंतिम साध्य, जिसकी हम आज बात मोक्ष की कर रहे हैं, उस मोक्ष की प्राप्ति हम कर लेते हैं, वो हमारा साध्य है। वो आज हमारा टॉपिक है कि मोक्ष की क्या अवधारणा है। वो हम धर्म का प्रतिपादन करने के बाद के अंदर हम आगे चलेंगे। मोक्ष की अवधारणा ये होता है कि सृष्टि के अंदर मनुष्य जो 84 लाख जीवा योनिया, हर धर्म दर्शन जो आत्मा में विश्वास करता है, वह पुनर्जन्म में विश्वास करता है, वो पाप पुण्य में विश्वास करता है, वो कर्म में विश्वास करता है, और वह मोक्ष में विश्वास करता है। जहाँ आत्मा है वहाँ मोक्ष है। मोक्ष किसका होता है? मोक्ष आत्मा का होता है। आत्मा जब अपने आबद्ध, साथ में जो अभी बॉन्डेड हमारी आत्मा है, जो कर्मों से जुड़ी हुई होती है, कर्म उससे निवृत्त हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो जो अनबॉन्डेड हमारी सोल है वह प्योर सोल है, वह प्योर सोल मोक्ष की जाती है। भाई और बहनों, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। उदाहरण के अंदर ऐसी कला है, ऐसी सार्थकता है, उदाहरण के अंदर ऐसी ताकत है कि वह बड़े से बड़े गहन
जो है चिंतन है, गहन विषय है, उसको बहुत सरल बना देता है। वो सरलता को प्राप्त करने के लिए बताना चाहता हूँ मैं कि हमारे भारतवर्ष के अंदर सोने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है कोलार गोल्ड फैक्ट्री, कर्नाटक में है। आप वहाँ गए होंगे, मैं वहाँ जाके आया हूँ। तो वहाँ उस खान में से जो है हमारे सोने के कण हैं वो मिट्टी के साथ में आते हैं, उस मिट्टी का रासायनिक क्रियाओं के द्वारा शोधन किया जाता है, उसको बर्निंग करके और केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से जो है वो करके, जब उस को जो है वो सोने के कणों को, सोने के टुकड़ों को मिट्टी से अलग करते हैं और फिर उस सोने को तपाया जाता है। तपाने के बाद में 24 कैरेट का सोना निकलता है और मिट्टी अलग हो जाती है। ठीक उसी तरीके से हमारी जो वर्तमान की आत्मा, जो बोल रहा हूँ मैं, ये बद्ध आत्मा है, ये बॉन्डेड सोल है, इसके ऊपर कर्म रूपी मिट्टी लगी हुई है। जब मैं कुछ जिस रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, ऐसी तप की क्रियाओं करके जो इस बॉन्डेड सोल को लिबरेटेड कर देता हूँ, शुद्ध कर देता हूँ, तो वह आत्मा मोक्ष में चली जाती है। फिर ये आत्मा 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण नहीं करती है। उस आत्मा के गुण क्या है, शुद्ध आत्मा के? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत ब्लिस, इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट बिलीफ, इन्फिनिट एनर्जी एंड इन्फिनिट ब्लिस। मतलब वह ब्लिस कैसा है आत्मा के साथ में, मोक्ष की आत्मा के साथ में, कि उसके बाद में कोई दुख नहीं आता। बंधुओं, हम जो जीवन दे रहे हैं, जी रहे हैं, भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, हम जो जीवन दे रहे हैं, एक सुख के बाद के अंदर दूसरा दुख लगा हुआ है। हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन हमने जन्म लिया है, हम रिटर्न टिकट लेकर के आए, मृत्यु उसी दिन से प्रारंभ हो गई है। जितने जितने हमारे जीवन के जो है हमारे वर्ष निकलते हैं, वो वर्ष हमको मृत्यु की ओर निकलता है, ले जाता है। हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ। तो मैं एक उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों आपको बताना चाहता हूँ, किसी ट्रेन के अंदर हमारा मन भावन पैसेंजर पास बैठ जाता है तो हम उससे बहुत घुल मिल करके अपने दोनों का ऐसा विषय आ जाता है कि उस विषय के ऊपर, दोनों का मन चाहने वाला विषय के ऊपर जो है हम बातचीत करके मित्र बन जाते हैं। और जब इसको उसका स्टेशन आता है तो उतरता है, अपना स्टेशन आता है हम उतरते हैं, तो हमको बड़ा एक वियोग सा लगता है कि ऐसा मन भावन व्यक्ति तो और साथ रहना चाहिए, और विषय को हम और अच्छी तरह समझते हैं, हम फ्रेंडशिप करते हैं, उसके फ़ोन नंबर लेते हैं बंधुओं। लेकिन हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा होता है। अपना अपने सामने, एक व्यक्ति के सामने, दादा के सामने पोता चला जाता है, बेटा चला जाता है, और दादा वैसा का वैसा जिंदा रहता है। हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा होता है। ये बॉडी नाशवान है, लेकिन इसमें भीतर विराजमान परमपिता परमेश्वर, मेरा जो भगवान ईश्वर, जिसकी हम आज पूजा करते हैं मंदिरों में जाकर के, वो भीतर विराजमान है। मोक्ष की अवधारणा यह कहती है, बंधुओं, सारे धर्म ग्रंथों को आप टटोलिए, तो उन टटोल उस धर्म ग्रंथों का अगर सार निकालना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। बंधुओं, अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है, सब धर्म ग्रंथों की संजीवनी बूटी को पीना है, अमर होना है, अजर होना है, तो बंधुओं प्रेम का पाठ पीजिए। प्रेम के लिए कहा गया है, अपना सच में से जा मैं तिंग भूए सु कप पाए, स्वयं सत्य खोजो। हमारा स्वयं सत्य क्या है? वो मोक्ष है, लिबरेशन है। हमारी आत्मा से परिचय हो जाना, आत्मा का निरीक्षण हो जाना, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाना, आत्म साक्षात्कार हो जाना, वो सभी को ही हमारे धर्म ग्रंथों ने मोक्ष की परिभाषा दी है। हम वेदांत की बात करें तो वेदांत जो कहता है दो तरह का, एक जो है वो मानता है कि जो है देह में रहते हुए विदेह होते हैं। राजा जनक जो है वो विदेह गिना जाते थे। क्यों गिने जाते थे? उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान का स्पर्श हो गया था। वो अपने शरीर में रहते थे लेकिन उनका तारतम्य जो है वह ईश्वर से था,
जगमाही ऐसो रहो जो अंबुज सरमाई, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाई, रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। वो राजा जनक जो है विदे क्यों गिने जाते थे कि वो एक कमल की तरह रहते थे, निर्लिप्त रहते थे, वह संसारी थे, उनके सीता आदि चार पुत्रियां थी, वो राजा थे, वो मिथिला के राजा थे और राजकाज करते थे, लेकिन वह विदेह थे, उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ था और उनको जब उन्होंने अपना जीवन छोड़ा तो उनकी जो जीवन मुक्ति हुई वो जो है वो उनको मोक्ष की हुई, लेकिन उनको मोक्ष की प्राप्ति शरीर में रहते रहते ही हो गई थी, इसलिए विदेह कहा जाता है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि हम निर्लिप्त भाव से रहें। मोक्ष की अवधारणा ये बताती है कि अटैचमेंट, एक व्यक्ति अरबपति हो कोई चिंता नहीं है, लेकिन उस धन के प्रति अटैचमेंट कितना है, आपके परिवार के सदस्य हैं आप, ऐसा है कि दोष जो है ना विषय में नहीं है, दोष वासना में है। आपके सामने एक सुंदर युवती खड़ी है और एक जो व्यक्ति कामुक व्यक्ति है वह चिंतन करता है कितना सुंदर रूप है, कितना उसके मन के अंदर बुरे बुरे भाव आते हैं, लेकिन एक साधु है, एक साधक है, वो उस चमड़ी को कहता मात्र पैकिंग मानता है, इसके भीतर जो है कितनी दुर्गंध भरी हुई है, यह एक हार्ड मास का पुतला है। बंधुओं, दो व्यक्ति है, दोनों का चिंतन अलग अलग है और ये जो भाव है, ये चिंतन है, यही मोक्ष की ओर ले जाता है। भाई और बहनों, भारतीय संस्कृति का जो हमारा परम साध्य है मोक्ष की अवधारणा के ऊपर, हमने गहराई से चिंतन किया और हर दर्शन को कोट किया, हर कोण से हमने देखा उसके क्या उपाय है उसको देखा। बंधुओं, भाई और बहनों, आप बिना हिले डुले आप एक टक होकर के मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है जब श्रोता और दर्शक के बीच के अंदर धाता, ध्येय और ध्यान एक हो जाते हैं, आप मेरे में विलीन हो जाते हो, मैं आप में विलीन हो जाता हूँ, तब दोनों को आनंद की प्राप्ति होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, आपका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों को सुख मिले, सभी जीवों का मोक्ष हो, सभी जीवों को आनंद मिले, सभी लोगों को मुक्ति मिले, आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना हो। प्रायोजक है